गैंगस्टर गोगी मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब ताज़ा खुलासा ये हुआ है कि गोगी के खात्मे की स्क्रिप्ट सिर्फ टिल्लू ने नहीं लिखी थी बल्कि कुल 8 गैंगस्टर ने मिलकर गैंगस्टर गोगी के खात्मे का प्लान बनाया था। ये खुलासा जेल में बंद और गोगी मर्डर के सबसे पहले संदिग्ध टिल्लू ताजपुरिया से पूछताछ के बाद हुआ है। गैंगस्टर टिल्लू ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बताया कि साजिश में उसके अलावा टिल्लू ताजपुरिया, राकेश ताजपुरिया, उमंग यादव, विनय यादव, राहुल उर्फ नितिन, जगदीप उर्फ जग्गा, नवीन बाली और तीसरा शूटर शामिल थे। शूटआउट को अंजाम देने वाले राहुल और जगदीप 24 सितंबर को ही कोर्टरूम में ढेर कर दिए गए थे, जबकि उमंग और विनय यादव को शूटआउट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं नवीन बाली फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तीसरे शूटर को लेकर बना हुआ है, जो कि कोर्ट में मौजूद था और उसे मोनू नेपाली बताया गया था। लेकिन क्राइम ब्रांच की जांच में साफ हुआ कि मोनू नेपाली पहले ही मारा जा चुका है। हैरानी ये है कि टिल्लू ताजपुरिया से पूछताछ के बाद भी साफ नहीं हो पाया है कि जिसे मोनू नेपाली बताया गया वो शूटर कौन था। टिल्लू ने मोबाइल जला दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो टिल्लू ने वारदात के बाद अपना मोबाइल तोड़कर जला दिया था ताकि मोबाइल से पुलिस को कोई सबूत हासिल ना हो सके। हालांकि क्राइम ब्रांच टिल्लू के बयानों की जांच कर रही है, लेकिन साजिश में 8 गैंगस्टर के शामिल होने की बात से पुलिस भी हैरान है कि आखिर जेल में रहते हुए और कुछ ने जेल के बाहर रहने के दौरान कैसे इतना पुख्ता साजिश अंजाम दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।